की थाली थोड़ी और महंगी हो गई है क्योंकि टमाटर के बाद दालों के भाव में खासी बढ़ोतरी दिख रही है। अगर भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो मुमकिन है आने वाले महीने में टमाटर की तरह आपकी थाली से दाल भी गायब हो जाएगी। अरहर यानी तौर की दाल पिछले कुछ दिनों में 150 से 200 रुपए किलो के भाव तक पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने यह दाल 100 से 110 रुपए किलो बिक रही थी। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पर भी अरहर की दाल 190 से 220 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यही हाल बाजार की किराने की दुकानों का भी है। फिलहाल काफी उजाल देखा जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अरहर दाल के भाव में कमी नहीं आ पाई। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर लीज पर खेत लेकर खेती करने वाले किसानों को भी लोन मिल सकेगा। ऐसे किसानों को बटाईदार या किराएदार किसान कहा जाता है। अभी तक इन किसानों को लोन की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किराएदार किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इन किसानों को एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही अब किराएदार किसान भी लोन के पात्र हो गए हैं। इसी के साथ उन्हें खेती बाड़ी के लिए लोन मिलना शुरू हो गया है। किसान साथियों, अगर आप भी इस लोन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आंध्र प्रदेश की कृषि वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं और लोन प्राप्ति कर सकते हैं। इफ्को के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय सहकारिता जगत के लिए ऐतिहासिक अवसर का आगमन हो रहा है। आईसीए ने 128 साल के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के निर्देशक मंडल ने सर्वसम्मति से जून 2024 में नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक बोर्ड और महासभा ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया है। आईसीए अपने सदस्यों के रूप में दुनिया भर में 107 देशों के 310 से अधिक सहकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में 128 साल में पहली बार ये आम सभा होने जा रही है, जो कि भारत को गौरवान्वित करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार लगातार सौगातों की बारिश कर रही है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 10,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए की राशि जो है ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार सालाना 4,000 की जगह 6,000 रुपए किसानों को राशि देने का काम करेगी। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। किसान साथियों, अगर आप भी इस आर्थिक मदद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करें और अपने साथ के केवी के सेंटर पर जाकर अपने दस्तावेजों को जमा करवाने का काम करें। किसान साथियों, ऐसी खेती बाड़ी जो खबरें हैं उन्हें जानने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।